एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज ना मकर संक्रांति है, कल सैटरडे था, फिर भी मकर संक्रांति 14 तारीख को ना होके 15 को खिचड़ी मानी गई, इसीलिए हम लोगों ने आज ही जो है संक्रांति माने हैं और आज ही खिचड़ी बनी है। तो आपने आज के दिन क्या क्या किया वो शेयर करिएगा मेरे साथ, मैं जो करूँगी वो शेयर करूँगी आपके साथ। और बताइए कि आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा होगा, और भाई अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ थोड़ा सा तो अप्रिशिएट बनता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ, और आप लोग को आज का दिन बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मंगलमय हो, शुभकामनाएं। और फिर वापस अपने किचन में हम आ चुके हैं, और अब आई हूँ मैं किचन में अपनी पूजा पाठ वगैरह सबको सब करने के बाद। तो सबसे पहले थोड़ा सा नाश्ते वगैरह के लिए था, तो मैं भी बना रही हूँ पकौड़े। और पकौड़े तो हमेशा ही सुबह शाम दिन रात सबको जब बना दीजिए तभी सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सुबह का समय था और जो है जो भी खाना बनना है वो दोपहर तक बनेगा। तो जो है अभी मैं थोड़ा सा नाश्ते के लिए बनाने के लिए आई हूँ। और ये है प्याज, जो हरे प्याज के जो पत्ते होते हैं ना, बस उसी के पकौड़े हैं, और ये बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत ही करारे करारे बनके भी तैयार हुए थे। तो बस जो है इन लोगों को नाश्ता दे दूँ, उसके बाद में फिर दूसरे जो बाकी और सब काम है वो सभी निपटाने हैं, उसके बाद तब जाके कहीं जो है दोपहर का जो है हो पाएगा। क्योंकि नहाने धोने सबको जो है नहाते धोते समय लग जाता है, और आज तो बिना नहाए कोई खाएगा भी नहीं, तो किसी को खाना नहीं है, तो इतनी जल्दबाजी नहीं है। तो आज खिचड़ी जो है वो कुकर में नहीं, इस पतीले में बनेगी, और ओपन बनेगी जैसे हमेशा जो है थोड़ा सा ओपन बनाया जाता है। और सारी तैयारी हो चुकी है, इधर है हमारे चावल जो कि मैंने इसको धुल दिया था, चावल है, ये रहे इसके मसाले, ये रही इसकी दाल, आलू, क्रश किया हुआ मटर। तो बस आज इन्हीं सबको मिला के बनाएंगे, बाकी जो सूखे मसाले हैं हल्दी धनिया मिर्ची वो तो अलग है। तो सबके यहाँ खिचड़ी जो है अपने अपने तरीके से बनती है, और जो है बहुत ज़्यादा जो है लोग खिचड़ी को जो है मेरे यहाँ इतना ज़्यादा वो नहीं पसंद करते, लेकिन आज त्यौहार है तो खाना तो है ही है, तो मैं बना दे रही हूँ। तो आज जो है इसी में ही पतीले में बना रही हूँ और दही में बना रही हूँ। जितने भी मसाले वगैरह थे ना सबको डालने के बाद अच्छे से तड़का लगाने के बाद तब उसके बाद सब जो है बनाएंगे, और इसको धीरे धीरे नहीं आज पर पकाएंगे, क्योंकि जो चावल है वो नए चावल है और आज नए चावल की ही खिचड़ी बनती है। आज धूप भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी धूप है, हवा चल रही है लेकिन फिर भी जो है धूप बहुत अच्छी है। वो गजर उन लोग को तो खाना नहीं है, होने दो शुगर, क्या करना है। भाई शुगर हो, डायबिटीज़ हो, कुछ भी हो, त्यौहार है तो मूंग तो मीठा करेंगे ना, खाएंगे तो है, और अभी नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे, जब दांत नहीं रहेंगे तब। अभी दांत है, खा लेते हैं।
मट्ठा। जी आज की हमारी ट्रेडिशनल खिचड़ी की थाली तैयार है और खिचड़ी भी तैयार हो चुकी है और सब लोग खा भी चुके हैं। ये मेरी थाली है और लेकिन जो बच्चे हैं ना, उन्होंने अभी तक ये सब नहीं खाया है, तो मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो थोड़ा थोड़ा सा करके मैं सबको खिलाऊंगी। और ये आज के लिए बस इतना ही थाली तैयार हुआ है। और जब ऊपर लेकर आए हैं ना तो सबको बुला बुला के मैं दे रही हूँ, क्योंकि उन लोगों को ना नहीं खाना आता है मिला के, तो मैं अपना मिला दे रही हूँ। और होता है कि चलो भाई हम बना बैठे हैं तो हम सबको खिला दे, तो मैं इसी हिसाब से लेकर गई हूँ कि मैं दोनों को दे भी दूंगी और जो है उसके साथ साथ अपना भी खा लेंगे। और अकेले खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, सबकी टाइमिंग अलग अलग है खाने की, तो उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। और ये सब मेरे लिए नहीं है, मैं हम तीनों के लिए है। ये कौन सी पतंग है? अरे अरे लो गई, नहीं है, बची है, बची है। खींचो खींचो खींचो, अब अपने आप ही उड़ जाएगी। अब जो है आज का त्यौहार, तो बस आज का त्यौहार बस इतना ही था, और आप लोग के साथ मैंने जो शेयर किया बस इतना ही था आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ, नई नई रेसिपी के साथ, नई लाइफस्टाइल और नई कल्चर के साथ। तब तक के लिए मैं अब जाती हूँ, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आप लोगों से मिलने के लिए फिर आऊँगी। और आप मुझे बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, बुरा भी लगा हो ना तो प्लीज़ डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन करिएगा ज़रूर और पूरा पूरा ब्लॉग देखिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है अपने कल्चर को दिखाने की। और जो है बस बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, शाम हो चुकी है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बाकी जो कपड़े वगैरह होते हैं वो सब समेटना है। और फिर जो है अपना रोज़ का शेड्यूल जो है बस ऐसे ही है, बस त्यौहार बीच में आते हैं, थोड़ी सी रंगत बदल जाती है, थोड़ा सा शेड्यूल में थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं। बस तो कल से स्कूल भी खुल जाएंगे, होप सो कि स्कूल खुल जाएँ, क्योंकि आज 15 दिन तो हो चुके हैं घर पे बच्चों को रहते हुए, तो आज इतनी मस्ती है करनी है वो लोग कर लें, हमने भी छूट दे रखी है कर लो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। अब तक के लिए मैं लेती हूँ विदा, मिलती, और आप मुझे जरूर देखते रहेगा और जुड़े रहिएगा। बाय बाय।